नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। आप अपने स्क्रीन पर एक बैनर देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश में कुशासन के खिलाफ जन संवाद यात्रा इन दिनों रीवा शहर में निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान आज हमने सोचा इनसे बात करें, जानने समझने की कोशिश करें, आखिर ये लोग सड़कों में किस तरीके की यात्रा निकाल रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं। ये यात्रा मध्य प्रदेश के बेरोजगारी पर है। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगार हमारे युवा पढ़ लिख कर बीकॉम, एमकॉम, एमडी, बी इस तरह की डिग्री हासिल करके सड़क पर घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार मिल नहीं रहा है। रोजगार मिल नहीं रहा, आज की तारीख की सबसे बड़ी समस्या युवाओं को लेकर। हम चिकित्सा शिक्षा में बोलना चाहते हैं। आज के ही दैनिक भाषा का फ्रंट पेज पे निकला हुआ है, बच्चों के लिए करोड़ों रुपए का बजट अलॉट किया गया है। आज के ही पेपर में, न्यूज पेपर में ये दिखाया गया है 10 लाख बच्चे कुपोषित हैं। और आज मैं संजय गांधी हॉस्पिटल में गया हूँ, खुद मैं देखा हूँ कि वहाँ कोई टॉयलेट व्यवस्था नहीं है अच्छी, सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो लाइट व्यवस्था भी कुछ दिन पहले ही वहाँ आग लग गई थी। व्यवस्था मैं शिक्षा भी बोलना चाहूंगा कि माननीय 20 साल के शासन में है यहाँ, और मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, लेकिन शिक्षा के नाम से एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गए। नए पुराने हैं वो फुलफिल हैं, और कॉलेज नए नहीं खोले गए, और जो है वो ही बंद होने के कगार पे है। भ्रष्टाचार आज देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टेप रीवा में हुए। ये अपने आप में एक वो है कि रीवा की क्या स्थिति, इसके बावजूद भी कहीं भी कोई भी कार्य लेने जाए तो बिना रिश्वत के काम नहीं होता। इतने ज्यादा टेप होने के बावजूद भी कोई भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है। दिन दहाड़े बिना दिन रात चौगुना भ्रष्टाचार चल रहा है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। रीवा की विकास की बातें की जाती हैं, पिछले 20 वर्षों से भाजपा के शासनकाल में जो विकास की बातें की जाती हैं उसमें अगर ध्यान दिया जाए तो क्या विकास सिर्फ बिल्डिंगों का होता है? भाजपा सरकार ने जो मूलभूत सुविधा है उसमें कभी कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक मुट्ठी भर लोगों के पर भी का विकास किया, मुट्ठी भर लोगों का विकास किया। एक बड़ी समस्या तमाम तरीके से, जिस तरीके से शिक्षा और तमाम मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आजकल जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जिसके लिए हम लोगों ने जनसंवाद किया है, तो अधिकारी किसी को डरने को तैयार नहीं है, और हम लोग कितनी भी शिकायत करें बिल्कुल वो मानने को तैयार नहीं, वो अपनी बफौती माने, ये सबसे गंभीर बात है। आज कानून व्यवस्था की ऊपर हम बात करना चाहते हैं। आज कानून व्यवस्था इतना गिरा हुआ है कि आज उन्हीं कानून पुलिस के दम पर ही चोरियां हो रही हैं, कहीं उनकी कोई परख नहीं होती है। वहाँ जगह जगह जो है पुलिस वाले जो है चोरियां कराते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं, और उनका पूछताछ पड़ताल नहीं हो रही है। क्या कहेंगे बेरोजगारी के संबंध में? जो आप बताइए कि आज जनसंवाद में आप निकले हैं, क्यों? क्योंकि नवयुवक रीवा की और मध्य प्रदेश के नवयुवक जो है वो नशा में लिप्त है, और नशा में लिप्त शिवराज सिंह सरकार का अपने यहाँ तो रीवा ने राजेंद्र शुक्ला के चारों तरफ ऐसा पैकरिंग किए हैं कि युवा कुछ ही नहीं पाएंगे। जबलपुर से लाएंगे समरिया को, अन्य किसी को दूर से लाएंगे, यहाँ के लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि कम से कम बेरोजगारी दूर हो। कहीं रीवा के लोगों को मौका नहीं मिल रहा, आपका कहना? बिल्कुल बिजली बिजली के बोलना चाहूंगा, अपने रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है, लेकिन अभी पिछले दिनों फिर टैरिफ बढ़ गया। मेरा ये कहना है कि जब एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट हमारे पास है, हमसे दिल्ली बिजली खरीदता है और सस्ते में बेचता है, मध्य प्रदेश से बिजली खरीदी जाती है दिल्ली में सस्ती बिकती है, और हमारे यहाँ सौर ऊर्जा प्लांट है और हमारे हमको अभी महंगी बिजली मिल रही, बिजली में टैरिफ भी बढ़ गया, टैरिफ भी बढ़ गया, बिजली के रेट भी बढ़ गए, तमाम तरीके से तमाम लोगों के अलग अलग मुद्दे, अलग अलग बातचीत। किसी ने कहा यहाँ शिक्षा को लेकर विकास नहीं हुआ, तो किसी की स्वास्थ्य की समस्याएं, तमाम तरीके से स्वास्थ्य अलग। हालांकि पिछले 20 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले बार कांग्रेस को
मध्य प्रदेश में चुना गया था, लेकिन कुछ विधायक कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। केके जी, जिस तरीके से लगातार आप सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, तमाम तरीके के मुद्दे भी उठा रहे, मुद्दों के बारे में हमने बात की, जाना समझा, तो क्या आपको लगता है इस तरीके से सड़क में निकलने से कुछ असर होगा? बिल्कुल असर होगा, क्योंकि जनता के बीच में ही विपक्ष को जाना चाहिए, क्योंकि जब तानाशाह सरकार हो जाए, जब हमारी सरकार 2003 में थी तो मध्य प्रदेश में 32,000 कर्ज थे, आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 3,50,000 कर्जा कर दिया, वो महंगाई पे महंगाई दिए जा रहे हैं, तो हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा, जनता पे संवाद करना पड़ेगा, महंगाई पे हम संवाद कर रहे हैं, शिक्षा पे हम संवाद जनता से कर रहे हैं, बेरोजगारी पे हम संवाद निकले हैं, भ्रष्टाचार पे और शिक्षा स्वास्थ्य पे। महंगाई की आप बात करते हैं, जिस जगह पर आपकी पार्टी की सरकार है महंगाई तो वहां पर भी है, वहां आपने क्या ऐसा कुछ किया जिससे वहां महंगाई कम हो? देखिए, मध्य प्रदेश में हम रह रहे हैं, रीवा जिला में रह रहे हैं, हम अपने मध्य प्रदेश की पहले बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो हमारी सरकार थी, हर आइटम सस्ते थे, शक्कर 40 रुपए किलो रहते थे, तेल सरसों रिफाइन के 60-70 रुपए रहा करते थे, आज 200 रुपए लीटर है। तो महंगाई तो बीजेपी ने दी है, हमसे 40 प्रकार का टैक्स लिया बीजेपी ने, पर हमको महंगाई कितना दी है, इसलिए इस सरकार को बदलने के लिए जरूरत है, कमलनाथ की सरकार आने की जरूरत है, कमलनाथ की सरकार आने की जरूरत है, इस सरकार को हम बदल देंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार महंगाई बढ़ी है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा हो सकता है निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, 10 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी, उसके बाद 12 तारीख को वहां रिजल्ट आएंगे, 13 तारीख को महाकौशल के जबलपुर में कांग्रेस की बड़ी लीडर प्रियंका गांधी की एक बड़ी सभा, इसका सीधा सा अर्थ है 13 तारीख से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सक्रिय हो रही है, हमारी लगातार इन पर नजर बनी रहेगी, जो भी ताजे अपडेट होंगे आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।